नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कसूरिया। आज हम लेके आए हैं मल्होत्रा के दोनों मॉडल, गार्डियन और चैंपियन, और इनका इसका रिव्यू करेंगे हम वेबले के साथ कि वेबले और चैंपियन और गार्डियन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों में से किसका मार्केट प्राइस क्या प्रवेल कर रहा है, किसकी क्या क्वालिटी है, किसकी क्या खूबियाँ हैं, किसकी क्या कमियाँ हैं। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेगमेंट में। तो शुरू करते हैं गार्डियन से। गार्डियन 1911 जो है वो पहले से आने वाला मॉडल है जो मल्होत्रा डिफेंस में सबसे पहले लॉन्च किया था। करीब एक साल से डेढ़ साल के करीब हो गया इसके वेपन्स को आते हुए। अब तक पंजाब और पूरे भारत में करीब 2000 से ज़्यादा वेपन इसके बिक चुके हैं। तो ये है 0.45 मल्होत्रा। इसके साथ ही इस डिब्बे को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसके साथ ही हमारे पास है चैंपियन मल्होत्रा का ही एक छोटा मॉडल, एक अन्य सेगमेंट जिसमें जिसको लॉन्च हुए करीब 6 महीने से ऊपर हो गया है। और ये मॉडल है, ये डिब्बा भी मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखिए हमारे पास तीनों में से तीनों वेपन ये हमारे पास हैं, वेबले, मल्होत्रा डिफेंस का गार्डियन और चैंपियन। चैंपियन और गार्डियन में ये अंतर है बेसिकली कि चैंपियन गार्डियन से छोटा है। चैंपियन की जो बैरल लेंथ है वो गार्डियन से छोटी है, करीब करीब 2 इंच का फर्क है दोनों के बीच में बैरल लेंथ में। मान लीजिए कि अगर वो 5.25 इंच है तो ये 3.75 इंच के करीब है। हाउएवर इट इज कंपेटिबल, छोटा है, कैरी करना आसान है, कंसील्ड कैरी करना आसान है, कंपेटिबिलिटी है इसकी वेपन की। पर 45 बोर की अगर रिकॉयल की बात करें कि 45 बोर का एमुनेशन थोड़ा बड़ा एमुनेशन है, उसका बुलेट जो है वो बड़ा साइज का है, तो इसमें रिकॉयल ज़्यादा रहता है। रिकॉयल ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़ा 45 बोर का वेपन है इसका भी निशाना चूकता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है, ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली इसका निशाना चूकने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके अलावा इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो भी इसके कंपैरेटिव करीब करीब आधी है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर इसकी इफेक्टिव रेंज 60 से 70 मीटर है तो इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 30 मीटर के करीब ही आपको मिलेगी। वेयर एज वेबले बहुत खूबसूरत वेपन बनाया है वेबले ने। वेबले की अगर बात करें वर्कमैनशिप की, इसका ग्लॉसी लुक होने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि इसकी फोटोग्राफ्स ठीक नहीं आती। कई बार फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि जैसे मिरर जैसे चमक रहा है कुछ। तो इसका विजन जनरली फोटोजेनिक नहीं है। मोबाइल के कैमरा में या अन्य कैमरा में इसका विजन इतना साफ और स्पष्ट या इतना क्लियर दिखाई नहीं देता, जबकि मल्होत्रा और चैंपियन दोनों मैट फिनिश में होने की वजह से इनका विजन फोटोजेनिक है, ज़्यादा अच्छा साफ दिखाई देता है। पर वेबले ने दो चीज़ें बेहतर करी हैं इसके मुकाबले में। एक तो उन्होंने जो ये साइड सेफ्टी दी है, ये दोनों तरफ दी है, दोनों तरफ ही इसकी साइड सेफ्टी है। अगर आपका वेपन लोड है तो आप चाहे राइट हैंडेड है तो भी राइट हैंड राइट थंब से इसको उठा सकते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो भी इसको लेफ्ट थंब से उठा सकते हैं। जबकि मल्होत्रा और चैंपियन में दोनों में शूटर हैज़ टू बी राइट हैंडेड, दो अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसके लिए ये वेपन कंपेटिबल नहीं है। ऐसे में वेबले ने ख्याल रखा है कि जो लेफ्ट हैंडेड यूज़र हैं, जो लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं शूटर, उनके लिए लेफ्ट हैंड सेफ्टी भी दी गई है। ये सबसे बड़ा फीचर दिया गया है। इसके बाद वेबले ने क्या चेंजेस करी हैं, वेबले ने जो इसका रिस्ट होल्डर दिया है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बड़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू गार्डियन। गार्डियन का जो ये रिस्ट होल्डर है ये छोटा है। अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे
इससे क्या है कि आपका हैमर जो है वो सेफ रहता है। अगर आपका वेपन लोडिंग कोकिंग सिचुएशन में है और अगर ये गिर भी जाता है तो ये सेफ रहेगा। जबकि मल्होत्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसका जो गिरने के बाद हिट जो है वो इसके हैमर पे आ सकती है। ये इसमें डीमेरिट है और इसमें ये मेरिट है। और इसके अलावा जो मैगजीन दिया है, मैगजीन के बूट में थोड़ा सा शेप अच्छा दिया है, मैगजीन का बूट बड़ा दिया है, जबकि मल्होत्रा का बूट साथ में ही चिपक जाता है, तो बूट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउएवर चलाने में, टेक्नोलॉजी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मैं हमने नोटिस करी है कि इसमें जो इन्होंने डिलेड ब्लोबैक की टेक्नोलॉजी दी है, ऐसे में इसका रिकॉयल कम है मल्होत्रा के कंपैरेटिव। इसमें जब वेपन चलता है तो इसका झटका कम महसूस करते हैं। मैंने खुद चलाकर भी देखा है तो मैंने ये फील किया है कि एज कंपेयर टू मल्होत्रा वेबले का रिकॉयल कुछ हद तक कम है। हाउएवर टेक्निकली इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, कोई विशेष टेक्निकल डाटा भी अवेलेबल नहीं है जिससे कि कोई कंपैरेटिवली पता चल पाए कि मेजर हो पाए कि कितना परसेंट कम है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर खूबसूरती के मामले में वेबले बेहतर दिखाई देता है मल्होत्रा के मुकाबले। अच्छा चलिए एक चीज और देखते हैं इसमें, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। ट्रिगर में अगर देखेंगे तो ट्रिगर जो है इसका है डिजाइन ट्रिगर दिया है इन्होंने वेबले ने, इसमें तीन पॉकेट्स बना दिए हैं, तीन तरह के वेंटिलेटर दे दिए हैं। हाउएवर चलने में या टेक्नोलॉजी में इसका कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ट्रिगर ने सिर्फ गोली चलाने का काम करना है, इसने तो इशारा देना है तो गोली हैमर जो है वो फायर कर देगा। दिखने में सुंदर है, एम्बियंस अच्छी की गई है ट्रिगर की। और अगर हैमर की बात करें, हैमर भी थोड़ा डिजाइनर दिया गया है, जबकि मल्होत्रा का हैमर जो है वो डिजाइनर लुक में नहीं है, वो सिंपल ही है एज इट इज, जो 1911 मॉडल का ओल्ड का आता था वैसा ही है। एक चीज और मनने में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हाफ ट्रिगर की सेफ्टी भी दी गई है, हाफ कोक इसको बोलते हैं, हाफ कोक। ऐसे में जो सेफ्टी है वो आप मान लीजिए आपका गोली जो है वो बैरल में है, चैम्बर में है, तो चैम्बर में अगर गोली है तो आपका सेफ्टी लॉक यहाँ पे, या तो आप ये वाला सेफ्टी लॉक थंब सेफ्टी जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं। ऐसे में थंब सेफ्टी यूज करते हैं तो ये हमेशा फुल कॉक पोजीशन में रहता है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैंने हाफ कॉक रखना है और चैम्बर में भी मेरे गोली रहे, तो इसको आप हाफ कॉक सिचुएशन में रख सकते हैं। और अगर हाफ कॉक से आपको इसको ड्रॉप कराना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और ये वाला जो ट्रिगर है इसको प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद छोड़ दीजिए तो ये जाके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ताकि गोली जो है फायरिंग हिट जो है वो फायरिंग पिन पे ना आए, और फायरिंग पिन पे आने के बाद ये हाफ कॉक पोजीशन में चला जाए। देखिए मेरा किसी मैन्युफैक्चरर के साथ ना तो कोई भाई बंधु है, ना मेरी कोई दोस्ती है, ना किसी से बैर है। मल्होत्रा वालों के साथ भी मेरे वही रिलेशन है जो वेबले वालों के साथ है, ना मेरे को वेबले में कोई इंटरेस्ट है। जो ट्रेडर होता है उसको तो अपना पीस ऑफ केक चाहिए होता है, छोटा सा एक मार्जिन चाहिए होता है। जो ट्रेडर है वो तो पैरेट है, जो भी प्राइस मैन्युफैक्चरर रखेगा ट्रेडर ने अपना 5-10 हज़ार जोड़ के उसको मैन्युफैक्चरर के प्राइस में ऐड करके बाजार में बोलना शुरू कर देना है। प्राइस भी जो है वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है, और जो क्वालिटी मेंटेनेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, सेल्स आफ्टर सर्विस है, सर्विस आफ्टर सेल्स है, वो भी मैन्युफैक्चरर के एंड पे ही है। तो ऐसे में दोनों चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही अपन एक काम और करेंगे कि इनका वेट करके देख लेते हैं कि दोनों वेपन्स के बीच में वेट में क्या अंतर है। तो मेरे पास ये एक हैंगिंग स्केल है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा ही रखेंगे। इसका वेट है 1 किलो 105 ग्राम,
1 kg 105 grams, जबकि वेबले का वेट है, इसको फिर से यूज करना पड़ेगा, अब जीरो आ गया है, अब फिर से चेक करना पड़ेगा। उसका 1 kg 105 grams था, इसका वेट 1 kg 155 grams है, मतलब 50 ग्राम के करीब वेबले का वेट ज्यादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों वेपन्स बाजार में अच्छा ही काम करेंगे, हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की उम्मीद होती है। दोनों जो मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों ने वेपन की क्वालिटी को उमदा रखा है। मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये जो वेपन है यूएसए की कोल्ट कंपनी द्वारा यूएस की आर्मी की डिमांड के ऊपर पे डेवलप किया गया था। ये पहला वेपन साल 1900 में बनाया गया था। 1900 में बनाने के बाद इसमें हर साल दर साल थोड़ी सी चेंजेस होती रही हैं। जैसे जैसे यूएस आर्मी की डिमांड आई कि इसमें थंब सेफ्टी दी जाए, पहले इसमें थंब सेफ्टी नहीं आती थी और वेपन आगे से भी इतना खूबसूरत नहीं होता था, ये एक चौरस प्लेन ही वेपन होता था जो पहले पुराना मॉडल आता था। शायद आप इंटरनेट पे खंगोलेंगे तो वो फोटोग्राफ मिल जाएगी आपको। थंब सेफ्टी बाद में ऐड की गई, कहीं 1905-6 में आके इसमें थंब सेफ्टी ऐड की गई और 1910 में ये रिस्ट सेफ्टी ऐड की गई 1910 में। और 1911 में जितने भी ओल्ड के पुराने वेपन थे उनमें भी ये फीचर ऐड करके यूएस आर्मी को ये दिए गए। यूएस की गवर्नमेंट सप्लाई में ये वेपन बहुत ही फेमस हुआ और 1911 का ये मॉडल है जो आज 111-12 साल बाद इंडिया में कॉपी हो रहा है और बाजार में बिक रहा है। हमने सुना था कि भारत जो है वो अमेरिका से 50 साल पीछे है, पर हथियारों के मामले में शायद हम 100 साल से भी ज्यादा पीछे हैं। पर मेरे को ये लगता है कि आने वाले साल दो साल में ये सिचुएशन नहीं रहेगी। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स बहुत जो बाजार में आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत अच्छी अच्छी वेपन की एम्बियंस के साथ बाजार में नए वेपन आने की उम्मीद है। अगले एक साल में करीब करीब दर्जन भर से ज़्यादा नए वेपन देखे जाएंगे और ऐसे में थोड़ा प्राइस में गिरावट आना भी संभाविक है। आज मल्होत्रा का जो मार्केट प्राइस है वो करीब करीब 360,000 से 370,000 चल रहा है बड़े गार्डियन का, और जो वेबले का प्राइस है वो 385,000 रुपये के करीब चल रहा है, और जो चैम्पियन है ये इसका प्राइस 265,000 से 275,000 के बीच चल रहा है। 10,000 का डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हर लोकल अथॉरिटी की अपनी नॉर्म्स हैं। कई बार जो स्टॉक है वो 3-3 महीने नहीं आता, 4-4 महीने नहीं आता, जबकि ट्रेडर का पैसा वहाँ पे लगा रहता है, उसका इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ता है, कोई NOC, कोई परमिशंस, कोई ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के ऊपर खर्चा आता है, हर जगह पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग अलग हैं, तो ऐसे में 10-1,000 का फर्क आना संभाविक है। प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, कृपया प्राइस कन्फर्म करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू में जब वेपन आया था तो 5-6 लाख रुपए तक भी बिका है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि प्राइस डे बाय डे बदलता रहता है, हर न्यू लॉन्च के साथ थोड़ा सा प्राइस चेंज हो जाता है, वेपन की अवेलेबिलिटी के साथ प्राइस चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा 10-20-30,000 होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो वेपन लवर्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और आने वाले दिनों में कई और नए वेपन के साथ में फिर आपके पास आऊँगा। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा आप इसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वेपन के साथ आपसे।